नमस्कार दोस्तों करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है ट्वेंटी सेवन अक्टूबर 2023 फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ कल रात को क्या क्या एक्टिविटीज हुआ बेसिकली यूएस मार्केट में Q3 जीडीपी डेटा आया व्हिच केम एट 4.9 परसेंट अगेंस्ट 4.3 सो जीडीपी इज ग्रोइंग एंड इसका एक इम्प्लीकेश इज दैट कि इंटरेस्ट रेट इज़ गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आइए देखते हैं चार्ट में आज के लिए या आने वाले दो चार दिनों के लिए करेंसीज में क्या एक्टिविटीज हो सकते हैं डॉलर इंडेक्स कल एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है जो बार बनाया है एट द प्रीवियस स्विंग हाई अभी देखने वाला बात यही है कि सा सॉफ्टनेस पे हम कर सकते के बीच में में ऊपर 107, है तो अभी देखने वाला बात है कि ये रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा ये जो डबल बटम बनाया हुआ है इसको तोड़ के नीचे की तरफ आते हैं या नहीं अगर आएंगे तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वीक सिग्नल्स देगा और नहीं आएंगे तो कंसोलिडेशन और अगर इस एरिया को तोड़ के ऊपर तरफ जाता है पे थ्री प्रोबेबिलिटीज ऑन डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स में ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ बिकॉज जीबीपी डॉलर डॉलर डाउन टू डॉलर इंडेक्स मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसोलिडेशन जारी है हमें इंतजार करना पड़ेगा और छोटा मोटा रेंज में पाँच दस पंद्रह पैसे के बीच रेंज में जो ट्रेड करना चाहते हैं आसानी से ट्रेड कर सकते हैं बट

फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल ये जो आपका इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ तक के हाई के ऊपर हाई बनाएगा तो ये जो फॉर्मेशन है रेन शिफ्ट वाला फॉर्मेशन विच विल इन कमिंग डेज बॉयल डाउन टू ए बुलिश मूव

24 दिसंबर का हाई, that means 1.0695. इस हाई के ऊपर इट विल स्टार्ट मूविंग एंड गिविंग डी क्लियर डायरेक्शन हायर हाय, आयर लो. एंड मैं तो चला ऊपर की तरफ. लेकिन अभी एट द मोमेंट बी केयरफुल. क्योंकि कॉन्फर्मेशंस आया नहीं है. इट्स ओनली आवर इंटरप्रिटेशंस. आवर इंटरप्रिटेशंस में भी राइट. �

So, हमें थोड़ा सा differently, इसको पर, different perspective से डिफरेंटलीफरेंट को थोड़ा सा देखना है क्यों ऐसा हो रहा है एन में भी यहाँ पे काफी दिनों से आप लोग मेरा एनालिसिस डॉलर एंड एन आई एन रिलेटेड एनालिसिस देख देख के थक गए होंगे कि मैं कब से बोल रहा हूँ बुलिश बिल्डअप हो रहा है बुलिश बिल्डअप हो रहा है लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं आ रहा है

अच्छा अभी यहां पे वैसा ही के लिए इंतजार हो रहा है Confirmations बाकी है अभी तो पिक्चर बाकी है दैट इज वट शाहरुख खान यूज से तो डॉलर कैंडी डॉलर कैंडी ये जो आपका वन थर्टी एट पॉइंट थ्री एट सेवन जीरो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे रेस्पेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं हमें देखना है क्या इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके फिर दोबारा सॉफ्ट होते हैं या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं अस्सी डॉलर बहुत ही मीन्स क्या बोलेंगे यहाँ पे मीन्स पागल बना रहे हैं क्या पागल बना रहे हैं ब्रेक डाउन आप तो ऊपर जाना था या नहीं अगेन फॉल्स ब्रेक डाउन

कॉइन टॉस के साथ प्रॉफिट बनाते हैं मिंस कोइंटॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है एंड प्रॉफिट बाय द एंड ऑफ द वीक बाय द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट बनाते हैं क्यों रिस्टो रिवार्ड वन इस टू थ्री एक रुपया अगर लॉस है तो तीन रुपया प्रॉफिट समथिंग लाइक दैट जारी है, ये uh, कल एक up move देने का प्रयास किया था, लेकिन तो थोड़ा यहाँ पे कॉन्फ्यूशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे एक तीन रेंज बन चुके एक रेंज है आपका एट्टी सेवन एटी सेवन सपोर्ट ऊपर में रेजिस्टेंस है 94 फोर के आसपास

स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रिक्ट रिस्क टू रिवर्ड के साथ आप पोजीशन बिल्डिंग कर सकते हो एन यूएस टेन ट्रेजरी कंसोलिडेट कर है यहां एक, हाँ, रहा है फोर पॉइंट एट सिक्स यहाँ पे एक मींस आपका ये हाई लोअर हाई ये लो अभी लोअर लो बनाना बाकी है तो दैट इन सच ए केस एक अगर लोअर लो बना देते हैं तो क्या होने वाला है ये एक चेंज के लिए इंतजार यहाँ पे देखिए अभी कॉन्फर्मेशन हुआ नहीं है इस स्विंग लो के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन क्लोज देना पड़ेगा देन देन एंड ओनली एक लोअर लोअर हाई लो होगा जस्ट प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना है। nutshell, एक nutshell बना लेते हैं Nutshell में क्या है डॉलर इंडेक्स 106.55 पे एक रेजिस्टेंस ये जो स्विंग हाई था क्या इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके अभी दोबारा जो डबल बटन बनाया हुआ इसके नीचे जाएगा अगर जाते हैं तो डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट होने के लिए तैयार हो रहा है अदरवाइज यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 1730 से 108.00 इस रेजिस्टेंस को दोबारा फेस करने वाले हैं इन बिटवीन दिस लेवल 10540 एंड 10690 साइडवेज कंसोलिडेशन कभी ऊपर कभी नीचे हो सकता है जीबीपी डॉलर यहाँ पे अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रांग ब्रेन शिफ्ट फॉर्मेशंस

छुट्टी लेते हैं लेते लेते हैं, लेते हैं, हैं। शांति तो एक case, 83, 45, एक गैप अप ओपन हो सकता है। इन इन केस केस के ऊपर सरप्राइज मार्केट में स्टॉप होने का से की तरफ जा सकते बट लेवल्स में अगर कोई लॉन्ग बिल्डअप करते हैं

12 बिलियन 15 बिलियन करके अगर नॉन नॉन स्टॉप मींस एक हफ्ता दो हफ्ता अगर चालू नहीं होता है तब तक रूपी एप्रिशिएट होने का नो नहीं मिल रहा है इन सच केस बाय डिप्स मे बी कंसीडर मे बी 83 83 10 के आसपास बाई बिल्डअप कर सकते हो एंड ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो सो so, करेंसी फ्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल दोस हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड